ओछी हरकत है। क्या सोच है एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखने वाला व्यक्ति। अब तो मैं तो कहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं कि अब तक उप मुख्यमंत्री के बंगले पर कितना खर्च हुआ और उसमें कौन कौन सामान अब बचा है। तेजस्वी यादव ने आज 5 देशरत्न मार्ग पर सरकारी आवास खाली किया। यहाँ बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निवास होगा, मगर आवास खाली होते ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा ने तेजस्वी पर आरोप जड़ा है कि वो सरकारी आवास से कई सामान लेकर निकल लिए हैं। बिहार बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का यह आरोप है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आवास खाली करने के साथ ही बेड, एसी और बेसिन समेत कई चीजें निकाल के ले गए। भाजपा का आरोप है कि बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर और वॉशरूम के नल की टोटी तक गायब है। इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मसले को लेकर बीजेपी लगातार तेजस्वी पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि जल्द ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई सामानों की लिस्ट हम जारी करेंगे। इस आवास में अब सम्राट चौधरी रहेंगे। बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव आवास खाली करने के साथ ही बाकी सामान भी ले गए, यहां तक कि उन्होंने टोटी भी नहीं छोड़ी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में हाइड्रोलिक बेड भी गायब है। आरोप है कि तेजस्वी इसे साथ लेकर चल दिए हैं। सरकारी आवास से बेड ही नहीं, लाइट भी गायब है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कमरे में लगे बल्ब भी निकाल लिए गए हैं, साथ ही पंखे भी नदारद हैं। मामले में सुशील मोदी ने पहले भी सवाल उठाए थे। 2015 में जब तेजस्वी इस आवास में आए, तब सुशील मोदी ने फिजूल खर्च का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि आवास को भव्य बनाने के लिए फिजूल खर्च किया जा रहा है। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास से एसी भी निकाल लिया है। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पर्दे के ऊपर लगे एसी को निकाल लिया गया है, अब वहां खाली जगह बची है, साथ ही एसी लगे होने के निशान भी नजर आ रहे हैं। वहीं सरकारी आवास में मौजूद मीटिंग रूम भी क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए, कार्यालय की हालत काफी खराब नजर आ रही है। भाजपा का आरोप है कि मीटिंग रूम में लगे पंखे भी निकाल लिए गए हैं। और सबसे बड़ा आरोप भाजपा का है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कि सरकारी आवास से तेजस्वी यादव टोटी भी चोरी कर ले गए, वो भी बेसिन समेत। तस्वीर में देखा जा सकता है कि टॉयलेट के पास लगी टोटी गायब है। उसके नीचे की तस्वीर में निकाला गया गीजर भी देखा जा सकता है, साथ ही तस्वीर में टोटी गायब दिख रही है। तेजस्वी यादव पर भाजपा का आरोप है कि बैडमिंटन कोर्ट का मैट भी नहीं छोड़ा गया। वहीं इन पूरे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल अखिलेश यादव के बाद अब तेजस्वी यादव पर लगे टोटी चोरी के इन आरोपों को लेकर आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या कहता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। देखिए, मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। ये ओछी हरकत है। ये बताता है कि क्या सोच है एक राज्य के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब रखने वाला व्यक्ति। अब तो मैं तो कहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं कि अब तक उप मुख्यमंत्री के बंगले पर कितना खर्च हुआ और उसमें कौन कौन सामान अब बचा है, और जांच भी कराएं, FIR भी कराएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।